शगना दिशा अखियां विच लेके माही तेरा ही ना मैं ते तुर जाना तेरे नाल तेरे नाल। यार मुझे ना वैसा फील आ रहा है जैसे विवाह मूवी में शाहिद कपूर भी हो रहा था जब वो बिजनेस ट्रिप से वापस आया था और वो गाना था हमारी शादी में। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है ना मुझे, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। अब वो देखिए फोर्क और नाइफ से खा रहे हैं पूरा। खाने में क्या है, छोला भटूरा। बहुत स्ट्रगल चल रहा है। हेलो, अभी हम वेन्यू पे पहुंच गए हैं और बाहर बारिश हो रही है जिसको देख के मेरा मन इतना ख़राब हुआ कि मैंने रूम के सारे पर्दे लगा दिए। मैं भगवान से प्रे करूंगी कल बारिश बिल्कुल भी ना हो, परसों भी ना हो, एक दो दिन बारिश बिल्कुल ना हो, क्योंकि जैसा हमने डेकोर सोचा था वो मैक्सिमम आउटडोर ही है और अगर बारिश होगी तो सब ख़राब हो जाएगा। अभी आपको बाहर का दिखाती हूँ। प्लीज़ गाइस, आप लोग भी प्रे कीजिए कि मौसम अच्छा रहे और सब अच्छे से निपट जाए। यहाँ से दिख तो नहीं रहा है बट बारिश हो रही है। वहाँ फाउंटेन में देखो पानी भी हिल रहा है, पूरे रास्ते गीले हो चुके हैं, अभी भी बादल तो दिख ही रहे हैं। भगवान प्लीज मौसम ठीक हो जाए। मुझे डब्बे दिखा रहा है, हट यहाँ से। क्या रोज 300 डब्बे ढोए तुमने मेरे से? 300 डब्बे? अब मैं आपकी शादी में ना 2x काम करूंगा। भाई आपने बोला कि तू बस एंजॉय कर, तो एंजॉय कर, जा कर एंजॉय कहां जा, पकड़ इसको, गिर नहीं नीचे दो, हट पीछे नीचे मत, ये पीछे नीचे मत। ये वो चेहरा है जो कल आप परफॉर्मेंस देखोगे ना उसके पीछे छिपा हुआ चेहरा। नहीं चलो ठीक है, हम प्रैक्टिस करते हैं। हाँ दे दे, हाँ हाँ यहाँ करते हैं ना। इसको भी इसको नचवाना है। बिल्कुल डांस नहीं करना चाहती थी पर मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी है, तो जो मेरे को डांस सिखा रहे हैं मीनाक्षी मैम, इन्होंने बोला है कि हम सिंपल स्टेप्स देंगे, मुझे भी सिंपल स्टेप्स दिए, तो आप लोग वीडियो देखना जब हम डालेंगे चैनल पर डांस की, एंड आई होप आपको पसंद आए। चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। क्या बहुत अच्छा डांस है मैं? अच्छा ये मैं तो हूँ, मैं हूँ ना, मुझे तो अब वो भी दे रहे, जॉब दे रहे हैं। ऑडियंस आज नहीं है भाई, कल है। ये कहाँ तो फाइनली अब हमारी डांस प्रैक्टिस ख़त्म हुई और कैसे तैसे मुझे डांस सिखा दिया है। आई डोंट नो कल मैं कैसा करूँगी बट जैसा भी होगा बस कर लूँगी, क्योंकि रजत का इतना ज़्यादा मन है ना कि मैं परफॉर्म करूँ, इसलिए मैं परफॉर्म कर रही हूँ, वरना तो यार मैंने कभी कहीं किया ही नहीं परफॉर्म। मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे कैसा फील हो रहा है, बट येस फॉर रजत आई विल डेफिनेटली डू दिस, बिकॉज जब वो इतने एफर्ट कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है, तो इतना सा तो मेरा करना भी बनता ही है। और अभी रात के 12:30 बज चुके हैं और रजत तो अभी भी इधर उधर घूम रहा है, ये रह गया, वो रह गया, सो रह गया। मुझे ऐसा था अब मैं चली सोने, अब मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी थकान फील हो रही है, एंड प्लस कल सुबह भी टाइम से उठना होगा, तो इसलिए टाइम से सोना भी ज़रूरी है। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अकेले सोऊंगी, ना मेरे साथ मेरी बहनें सोए, ना मम्मी, कोई भी नहीं, क्योंकि ना मम्मी पापा के साथ मुझे अच्छा लगेगा, मेरी बहन अपने जीजा वगैरह के साथ ऐसा अच्छा लगता है ना। और मुझे अपने ये था कि मैं बस शांति से आराम से इस पल को अब्सॉर्ब करूँ,
इंजॉय करूँ और मतलब एक एक चीज़ फील करूँ। मुझे ना दिन भर बहुत ऐसा हो रहा था कि आई डोंट नो, नर्वसनेस थी, वो क्या था, कुछ अलग सा फील हो रहा था। दो दिन तो मतलब ऐसे थे, मैं आपको बता ही नहीं सकती मुझे क्या तो वो फीलिंग थी, मुझे तो खुद भी समझ नहीं आया। और अब जैसे 12:30 हो चुकी है, 8 तारीख शुरू हो चुकी है और फंक्शन वगैरह शुरू होने वाले कल से, तो ना बड़ा अलग सा सुकून भी है, एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस है। और पता, बचपन का टाइम याद आ रहा है, अच्छा ऐसा होता था, वैसा होता था, पता नहीं क्यों, मतलब इमोशंस बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। और सबसे बड़ी चीज़ तो पता क्या है, आज थोड़ी बहुत बारिश हुई और अभी कल के फोरकास्ट में भी बारिश है। और सबसे बड़ी टेंशन मुझे यही हुई है कि भगवान प्लीज़ प्लीज़ मौसम अच्छा रहे। फिलहाल मैं अभी के लिए सो जाती हूँ, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मैं ते तुर जाना तेरे नाल, तेरे नाल तारे मेहमान, चन्ना वे तेरी खाती सारा जान, छड़ के मैं जाना तेरे नाल, बाबुल दीने की फाइनली सब कुछ हो रहा है और सब बहुत अच्छे से हो रहा है। एंड थैंक यू गाइस सो 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 वेरी मच फॉर योर फ्रेंडशिप एंड लव, जिसकी वजह से आज मौसम भी इतना अच्छा है ना, वरना फोरकास्ट ऐसा था कि बारिश हो जाएगी, बट मौसम अच्छा है, सारी खिड़कियाँ खुली रखी है, हर जगह से देखी कितनी रोशनी आ रही है और उस रोशनी से ना वो पॉजिटिविटी में खुद फील कर पा रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, कितनी खुशी है मुझे। सो मैं रेडी होके आ गया हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैं, मतलब मैंने सोचा था शादी में ना मैं किसी भी इवेंट में लेट नहीं होगा, बिकॉज नैना को मुझसे यही प्रॉब्लम रहती है कि तुम लेट हो जाते हो। तो आज मैं सबसे पहले रेडी हो गया हूँ, दूल्हा सारे घूम रहा है और कोई भी नहीं पहुँचा है अभी। बट यार मुझे ना लास्ट, मतलब मुझे ये था कि मैं जो कैमरा वाले हैं उनसे एक बार ये सारा डिस्कशन कर दूँ कि कौन सा कहाँ पर पिक्चर कैसा होगा, क्या होगा, सेटअप कहाँ है, डेकोरेशन का एंड ऑल सब हो गया है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज धूप है मेरा, मैं एक्चुअली, मुझे अब ऐसा फील हो रहा है मैं जादू हूँ, उसको भी धूप चाहिए होती थी, मुझे भी धूप चाहिए। बट यस, सो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश हूँ सब, मतलब अभी मेरे सारे रिलेटिव्स भी आने वाले हैं तो बड़ी एक्साइटमेंट सी है सबको, अपनों को देख के कुछ अलग सी खुशी नहीं मिलती बस वैसे ही है। और नैना को देखने के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। शादी मेरी है, कहाँ सबको पहले पहुँचना चाहिए और अच्छा तो क्या चल लेना, हम चलते हैं, हमारी शादी है, हमारे को औरों को भी दिखाना है, तो अब और आए ना आए हम तो रेडी है, हम मना रहे हल्दी हमारी, आ रहे आ रहे हम भी। अब तुम दोनों का यू कांट सी ईच अदर, हां आर यू, सबर का फल मीठा होगा, इंतजार करो, ऐसे कैसी दिख गई, सबर का फल मीठा होगा, बहुत इंतजार करो, मैं तो खुद ले लेना, मुझे अभी टाइम नहीं होगा तो प्लीज आप कुछ खा के ही जाना। ओह माय गॉड, क्योंकि इसने बाल स्ट्रेट किए, आई हैव नो फीलिंग्स राइट नाउ, भाई यू शुड बी एक्साइटेड, जो लोग ऐसे कहते हैं ना एक्साइटेड वो झूठ कहते हैं, एक्साइटमेंट तो नहीं होती है, नर्वसनेस होती है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, ये करना है वो करना है, एंड प्लस अच्छा वो आ गए, उनको रूम मिल गया, इनका ऐसा हो गया, यही सब होता है पूरा टाइम दिमाग में। हाँ इसके बाद अगर एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आएगी तो ज़रूर बताऊँगी, बट अभी नहीं है। तुम बड़ा रियलिस्टिक ले, रियलिस्टिक लोग एकदम, हाँ वही सही सही बता रही हूँ। त्री नांदी मुखा सावित्री ना स्वरूपिणे पूछो यहाँ पर किसकी शादी।
हालत हो गई है अब एक्चुअली होली वाले दिन हल्दी होने के ये बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं। अभी मेरे तो अंदर लंग्स भी मतलब पीले काले हरे नीले सब कलर चले गए अंदर, सारा इनहेल कर चुका हूँ मैं कलर। अब मैं नहाने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा शांति पूजन है, उसके बाद मिलते हैं, बाय बाय। हाँ बोलो संप्रदेय तथा च उपनयन कर्मा प्रतीति हृदय ददामि मम चित्तम अनुचित्तम देयस्तु मम वाचि। तुम्हारा नाम क्या है? रजत। रजत शर्मा भू कस्य ब्रह्मचार्य असि ही, तुम किसके ब्रह्मचारी हो? तो आपने बोलना भवतः अर्थात आपका जो है दीक्षा पात्र है आपका जो है। ये बात सुद्रविणम देहिश्रम गुरुवे नमो नमः। अभी मेरा शांति पूजन हो रहा है और हमारे कल्चर में ऐसा माना जाता है कि शादी से पहले दूल्हे को बहुत ज़रूरी है एक चीज़ धारण करना, वो है जनेऊ। और जनेऊ धारण करने से पहले दूल्हे को सन्यासी की वेशभूषा में रहना होता है, तो मैं अभी सन्यासी बना हूँ और पंडित जी मेरे कान में गुरु मंत्र बोल रहे हैं। हम पहली भिक्षा आपने देनी है। भिक्षाम देहि भवती भिक्षाम देहि माता। भवन भिक्षाम देही। ये माल इकट्ठा किया हमारे दूल्हे ने। अभी मैं सन्यासी हूँ। अच्छा अभी ये सन्यासी है, सॉरी।